Hello my friends and hello my subscribers. My name is Sameer and it's my channel CatSSC Concept Samiti. If you want to know more about my channel regarding the pattern of videos in which I would upload the further videos, the motto of the channel and what are the benefit of this channel and you can watch out the first introductory video as i told you i would be starting with the quant series first so this is our fourth lecture on simple equations and today we will cover its basic concept and question in the form of part 1 before the starting of the lecture there are some points that has to be known by every student first keep a separate register and note down everything side by side Second, once I write any question, just pause the video and try to solve it at your own on the behalf of the covered concept. Third, after watching the video of any topic, practice the question of that topic from any competitive exam book. Fourth, watch all the lectures in order. Don't break the order, otherwise you will miss out something. It is especially for the newbies, will help them to increase their efficiency while attempting the aptitude question. Now let's get started with our quant four lecture. The main topic is simple equation and today we will cover its first part that is basic question and concepts. तो बेसिकली सिंपल इक्वेशन की बात करने से पहले कुछ टाइप ऑफ इक्वेशंस की बात कर लेते हैं और टाइप ऑफ इक्वेशंस हम जनरली पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन वो होती है जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इस फॉर्म में दैट इज एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन सिमिलरली होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट एंड क्यूबिक इक्वेशन होती है हमारी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डीवल्स टू जीरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट यहां पर ए बी सी जो भी फॉर्म के अंदर है वो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं और एक्स जो है वो वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम डिग्री वन होती है जैसा कि आप देख सकते हैं ए एक्स प्लस बीवल्स टू जीरो में एक्स की मैक्सिमम डिग्रीजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री टू होती है जैसा कि आप देख सकते हैं टू एंड क्यूबिक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री होती है थ्री जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्री सो so, अब आगे बात करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन की जब भी हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन की तो उसके दो सॉल्यूशन आ सकते हैं हमारे पास हमेशा एक होता है इनकंसिस्टेंट और एक होता है कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट की कैटेगरी के अंदर दो पार्ट आते हैं यूनिक और इंफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट के अंडर एक

अगर मैं सपोज कर रूँ एक एक्साम्पल के थ्रू की सिस्टम ऑफ इक्वेशन था मेरा ये जिसमें दो इक्वेशन मुझे गिवन थी दैट इज इज एंड इक्वेशन सो इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के मेरे पास तीन सोल्यूशन हो सकते हैं जैसे कि मैंने अभी पढ़ा यूनिक नो सोलूशन एंड इन्फानेटली मनी सोल्यूशन जिसमें इन्फानेटली मनी सोल्यूशन एंड यूनिक सोल्यूशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंसिस्टेंट सोल्यूशन कैटेगरी ऑफ इनकिसम ऑफ इक्वेशन सिमिलरली नो सोल्यूशन आपका तब आएगा जब ए वन अपॉन ए टूक्स टू बी वन अपॉन बी टू अनुअल टू सी वन अपॉन सी टू कंडीशन ऑक्यूपाई होगी सिमिलरली इनफाइनेटली मैंने सोल्यूशन आपका तब आएगा जब ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू की कंडीशन आपके पास ऑक्यूपाई हो जाएगी या फिर एक ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशन शुड बी लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाए अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट फॉर इक्वेशन सॉल्विंग द नंबर ऑफ इक्वेशन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल जब भी आप किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं आपको अगर उन इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मेरी नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अगर हां तभी आपका वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व होगा वरना नहीं हो पाएगा सो so, ये प्रॉपर कंडीशन है कि नंबर ऑफ इक्वेशन ऑलवेज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स तभी आपके वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व होगा अगर आपके पास तीन इक्वेशन है और उसके अंदर तीन वेरिएबल हैं तो वो सॉल्व करी जा सकती है अगर आपके पास तीन वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है तो वो सॉल्व करी नहीं जा सकती अभी तक जो भी हमने पढ़ा उनको एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं क्वेश्चन नंबर वन से फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर मेरे पास दो इक्वेशन थी वन एंड टू और इक्वेशन थी एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू टू एंड टू एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू फोर तो सबसे पहले तो आप अपना कन्वेंशनल मेथड लगाते हैं और सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं चाहे एलिमिनेशन से कर लें चाहे सब्सिट्यूशन से कर लें तो सपोज करते हैं मैंने फर्स्ट इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करा और सेकंड इक्वेशन को वन से कोफिशियंट सिमिलर करने के लिए ताकि मैं कुछ एलिमिनेट कर पाऊं जब मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई करा और मैंने जब इसको वन से मल्टीप्लाई करा तो मैंने देखा फर्स्ट इक्वेशन बन गई टू एक्स प्लस सिक्स वाईक्वल्स टू फोर और सेकंड इक्वेशन भी बन गई टू एक्स प्लस सिक्स वाईक्वल्स टू फोर दो इक्वेशंस थी लेकिन एक पर्टिकुलर कॉफिशियंट से मल्टीप्लाई करने पे दोनों इक्वेशन सेम हो गई सेम इक्वेशन बन गई दोनों इसका मतलब जो दो इक्वेशन थी वो पर्टिकुलर एक ही इक्वेशन थी और एक इक्वेशन एक के अंदर दो वेरिएबल टोटल ओवरऑल एक इक्वेशन है ये दो इक्वेशन का सिस्टम एक इक्वेशन एक में कन्वर्ट हो चुका है तो इस एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स हैं ओवरऑल एक्स एंड वाई तो मैं कह सकता हूं वन इक्वेशन एंड टू वेरिएबल सिस्टम था ये तो और जब मैं कहता हूं वन इक्वेशन एंड टू वेरिएबल सिस्टम था तो मैं ये बोल सकता हूं नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल और अगर नंबर ऑफ इक्वेशन लेस है नंबर ऑफ वेरिएबल से तो इसका तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मतलब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे और मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिटरमाइन नहीं कर सकता इसलिए सॉल्यूशन कंसिस्टेंट तो है बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा तो इसका सॉल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइन कहलाएगा इसको मैं इस कंडीशन के थ्रू भी दे सकता हूँ तो तो कर रहा है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो मैंने देखा वन अपॉन ए टूज टू बी वन अपॉन बी टू इज थ्री अपॉन सिक्स टू वन अपॉइंट टू एंड सी वन अपॉन सी टूट विलोर विच विल सिंप्लीफाइन टू वन अपॉन टू रहा है तो ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा जिसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे और मैं एक पर्टिकुलर सोल्यूशन को डिटरमाइन नहीं कर सकता बी पार्ट देखते हैं आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए सोल्व करते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन होगा इक्वेशन एक्स प्लस थ्री वाईक्वल्स टू टू एंड सेकेंड इक्वेशन इज टू एक्स प्लस सिक्स वाईक्वल्स टू फाइव एलिमिनेशन लगाने की आप कोशिश करेंगे कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने से पहले आप पहली को दो से मल्टीप्लाई कर दें एंड सेकंड को वन से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी टू एक्स प्लस टू फोर एंड टू एक्स प्लस सिक्स वाईक्वल्स टू फाइव फिर आप देखेंगे अरे मेरे पास तो दो इक्वेशन आई है दोनों इक्वेशन अलग है लेकिन मैं देख सकता हूँ कि एल एच एस सेम है और आर एच एस डिफरेंट है तो मैं ये कह सकता हूँ यार ये तो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन है और मुझे पता है कि पैरल लाइन्स की इक्वेशंस में कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता नहीं है तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों इक्वेशंस जो लीनियर है बिकॉज वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री वन है तो ये लीनियर ग्राफ को अप्रोच करेंगी और अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और एलएचएस सेम है तो आप बोल सकते हैं ये पैरल लाइन की इक्वेशन है तो मैं ये बोल सकता हूँ इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा सिंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी जीरो है नो no सॉल्यूशन इसका आंसर हो गया इसलिए अब मैं देखता हूं कि क्या ये ये वाली सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन जो नो no सॉल्यूशन के लिए थीट इजन एटल्स टू बीट बी टूल टू सीट जी टू फिर आपने देखा वन पॉइंट टू इक्वल्स टू थ्री अपॉइंट सिक्स टू टू अपॉइंट फाइव आपने लगा के देखा फिर आपने देखा वन पॉइंट टू एंड वन अपॉइंट टू सिंप्लीफाईक्स टू हो गया बट ये इक्वल नहीं हुआ सो so, मैं कह सकता हूँ

ट्वाइस था बी के अमाउंट के तो सी इक्व टू टू बी ए एंड बी के पास टुगेदर थे थर्टी लेस देन डी सो ए प्लस बी के पास जितना भी अमाउंट है वो है थर्टी लेस देन डी लास्ट इक्वेशन सी है ट्वेंटी लेस देन डी सो सी इक्वल टू डी माइनस ट्वेंटी ये मेरे पास चार कंडीशन हो गई और जब मुझे पता है कि मेरे पास चार इक्वेशंस हैं और मेरे पास वेरिएबल भी चार हैं दैट इज डी तो चार इक्वेशन चार वेरिएबल दैट इज नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल देर फॉर ये पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व हो सकता है और सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक जनरल अप्रोच होती है जिसमें मैं सारे वेरिएबल्स की वैल्यू एक पर्टिकुलर वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लेता हूं तो सपोज कर लेते हैं वो पर्टिकुलर वेरिएबल मेरा डी था तो मैं ए बी सी की वैल्यू डी की फॉर्म में निकालने C की कोशिश करूंगा सी की तो वैल्यू डी की फॉर्म में है ही दैट इज डी माइनस ट्वेंटी अब एक काम करते हैं बी की वैल्यू डी की फॉर्म में निकालने की कोशिश करते हैं उसके लिए मैं सी को रख दूंगा डी माइनस ट्वेंटी इक्वल टू टू बी तो मेरे पास बी आ जाएगा डी माइनस ट्वेंटी अपॉइन टू अब मेरे पास बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू डी की फॉर्म में है अब एक काम करते हैं ए की वैल्यू भी डी की फॉर्म में निकाल लेते हैं मुझे P की वैल्यू पता थी d की फॉर्म में एंड d की वैल्यू इज d ओनली सो so a की वैल्यू आ जाएगी D माइनस थर्टी माइनस डी बाईस अब मुझे c b एंड a की d की d फॉर्म में पता है अब मैं ये सारी वैल्यूज यहां पर डाल दूंगा और पर्टिकुलरली मेरे पास d का आंसर आ जाएगा हंड्रेड जब मैंने d का आंसर निकाला हंड्रेड तो अब मैं उसको यहां पर डाल दूंगा मेरे पास बी का आंसर आ जाएगा फोर्टी डी को यहाँ डाल दूंगा ए आ जाएगा मेरे पास थर्टी और डी को यहाँ डाल दूंगा सी ए तो मैंने इससे सिस्टम ऑफ इक्वेशन आराम से सॉल्व कर लिया और बता दिया कि एबीसीडी के पास इंडिविजुअल अमाउंट कितना होगा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन सोल्यूशन मतलब इक्वेशन का हर एक पॉसिबल सोल्यूशन बताना है हमें तो इक्वेशन का हर एक पॉसिबल सोल्यूशन बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट कह रहा है कि सपोज करते हैं मेरे पास इक्वेशन है ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन तो है मेरे पास इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो मुझे पता है फाइव प्लस फाइव इज ऑलवेज इक्वल टू टेन तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन तो मेरे पास आ गया फाइव प्लस फाइव इक्वल टू टेन अब डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं इसके और पॉसिबल सॉल्यूशन कि कौन सी दो एंटिटी को मिलाकर टेन बनाया जा सकता है मैंने देखा कि मेरे पास एक सॉल्यूशन तो मैंने लेट कर लिया फाइव प्लस फाइव इक्वल टू टेन अब एक काम करते हैं क्यों ना मैं फाइव को कुछ क्वांटिटी से बढ़ा देता हूं फॉर एग्जांपल मैंने फाइव को एक क्वांटिटी से बढ़ा दिया तो मेरा पास आ गया सिक्स बिकॉज फाइव प्लस वन इक्वल टू सिक्स तो मेरा ए अब सिक्स हो गया है सिक्स में क्या एड कर दू कि टेन आ जाए तो मैं चार ही एड करूंगा तो मेरे पास दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन आ गया सिक्स प्लस फोर इक्वल टू टेन अब एक काम करते हैं जो मेरे पास इनिशियल सॉल्यूशन था दैट इज फाइव प्लस फाइव इक्वल टू टेन उसका ये वाले इंटरफेस को एक क्वांटिटी से कम कर देते हैं अगर मैंने फाइव को एक क्वांटिटी से कम कर दिया दैट इज फाइव माइनस वन इक्वल टू फोर तो फोर में ऐसा क्या ऐड कर दू कि टेन आ जाए तो मुझे करना पड़ेगा ऐड सिक्स तो मेरे पास पॉसिबल सॉल्यूशन आ गए फाइव प्लस फाइव इक्वल्स टू टेन सिक्स प्लस फोर इक्वल टू टेन फोर प्लस सिक्स इक्वल टू टेन यहां पर बात ध्यान देने वाली है जो मैंने ये रेड अलाइनमेंट्स दिखाए हैं आपको हमने देखा कि जब मैंने केस वन की बात करी दैट इज सिक्स प्लस फोर इक्वल टू टेन तो जो मेरे पास अज्यूम्ड सॉल्यूशन था उसको मैंने इस वे में चेंज करा कि मेरा लेफ्ट इंटरफेस तो बढ़ जाए दैट इज फाइव टू सिक्स और मेरा राइट इंटरफेस हो जाए कम दैट इज फाइव टू फोर तब भी मेरा आंसर टेन आया तो ये भी सॉल्यूशन मेरा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो मैंने देखा मैं पॉसिबल पॉसिबल सॉल्यूशन सॉल्यूशन में एक इंटरफेस को को इंक्रीज करके करके और दूसरे डिक्रीज भी फाइंड आउट कर सकता हूं फिर जब मैंने दूसरा केस देखा दैट इज फोर प्लस सिक्स इक्वल टू टेन सो जो मेरा अज्यूम्ड केस था दैट इज फाइव प्लस फाइव इक्वल्स टू टेन तो मैंने देखा अगर मैंने पहले वाले इंटरफेस को कम कर दिया और दूसरे वाले इंटरफेस को बढ़ा दिया तब भी मेरा आर एच एस सेम ही रहेगा दैट इज टेन तो इट इज ऑल्सो अ पॉसिबल सोल्यूशन तो मैंने देखा मैंने एक इंटरफेस तो कम कर दिया दैट इज फाइव टू फोर और एक इंटरफेस बढ़ा दिया फाइव टू सिक्स तो भी मेरा इंटरफेस का रिजल्ट सेम रहा तो मैं ये देख सकता हूं जब भी इक्वेशन में होगा प्लस साइन तो इफेक्ट कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा पैरामीटर का कि अगर आप एक एंटिटी को बढ़ाओ और दूसरी एंटिटी को कम करो तब भी आपका रिजल्ट सेम रहेगा और एक एंटिटी को अगर कम करो और दूसरी एंटिटी को बढ़ाओ तब भी आपका रिजल्ट सेम रहेगा अब यही केस समझते हैं हम एक इक्वेशन जिसमें आ रहा है माइनस साइन दैट इज ए माइनस बी टू टेन तो सपोज करते हैं मैंने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका ट्वेंटी माइनस टेन इक्वल टू टेन कर दिया RHS मेरा टेन था मुझे उसको मेंटेन करना था और उसके लिए मैंने एक पॉसिबल सोल्यूशन लिया ट्वेंटी माइनस टेन इक्वल अब एक काम करते हैं हम लेफ्ट एंटिटी को डिक्रीज करके देखते हैं बाय यूनिट फाइव तो मैंने ट्वेंटी को फाइव टाइम डिक्रीज कर दिया सो so मैंने ट्वेंटी को फाइव यूनिट से कम कर दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा ट्वेंटी माइनस फाइव इक्वल टू फिफ्टीन फिफ्टीन में सर क्या कम कर दूं कि टेन मेंटेन रहे तो फिफ्टीन में से मुझे फाइव कम करना पड़ेगा और इस केस में मैं देखूंगा कि मैंने लेफ्ट एंटिटी को जब कम करा तो मुझे राइट right एंटिटी को भी कम करना पड़ेगा तो एक केस तो हो गया मेरा डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का दूसरे पॉसिबल सॉल्यूशन की बात करते हैं अगर मैंने अज्यूम सॉल्यूशन में से लेफ्ट एंटिटी को बढ़ाया फाइव क्वांटिटी से दैट इज ट्वेंटी प्लस फाइव इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो मैंने देखा ट्वेंटी फाइव मैं से ऐसा क्या कम कर दूंगी टेन आ जाए तो मुझे फिफ्टीन कम करना पड़ेगा और टेन में फाइव क्वांटिटी ऐड करने पे फिफ्टीन आ जाता है इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मुझे अगर एक एंटिटी को बढ़ाना है माइनस वाले केस में तो दूसरी एंटिटी को भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा तो मेरे पास दो केस बन जाएंगे अगर आप एक एंटिटी को कम कर रहे हो तो दूसरी एंटिटी भी कम करनी पड़ेगी इन द केस ऑफ माइनस साइन और दूसरा केस अगर आप एक एंटिटी को बढ़ा रहे हो तो दूसरी एंटिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा इन द केस ऑफ माइनस प्लस साइन के केस में अगर आप एक एंटिटी को बढ़ा रहे थे तो दूसरी एंटिटी को आपको कम करना पड़ा था और अगर आप एक एंटिटी को कम कर रहे थे तो दूसरी एंटिटी को आपको बढ़ाना पड़ेगा अब यही सेम फिनोमिना हम एक बार इसमें लगाएंगे और एक बार इसमें लगाएंगे सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन दैट इज टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व मुझे इस इक्वेशन के पॉसिबल सॉल्यूशन निकालने थे तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये वन इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का केस है इक्वेशन एक ही है और वेरिएबल दो थे डाट आर एक्स एंड वाई सिंस ये वन इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का केस है तो मैं ये कह सकता हूं नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल तो इसके तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे सेम गोस फॉर दिस बिकॉज ये भी वन इक्वेशन एंड टू वेरिएबल सोल्यूशन है तो इसके भी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे तो एक काम करते हैं हम अपना प्लस वाला कॉन्सेप्ट यहां लगाने की कोशिश करते हैं एक पॉसिबल सॉल्यूशन डिटरमाइन करते हैं टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व था तो एक काम करते हैं मैं x को सिक्स ले लेता हूं और ले लेता हूं y को जीरो सो so, मैं लिख सकता हूं टू इंटू सिक्स प्लस थ्री इंटू जीरो मैं ये कह सकता हूँ ट्वेल्व प्लस जीरो पर मेरी x की वैल्यू तो हो गई सिक्स और y की वैल्यू हो गई जीरो पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो मेरा ये आ गया क्वेश्चन में लिखा था मुझे सॉल्व एंड फाइंड करने थे ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर दीज इक्वेशंस लेकिन एक कंडीशन भी दे रखी थी कि आप एक्स वाई होना चाहिए एक पॉजिटिव इंटीजर और मैं ये पढ़ चुका हूं कि पॉजिटिव इंटीजर होता है, है हमारे काउंटिंग जिनकी रेंज होती है तो मुझे हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालना था इन पर्टिकुलर इक्वेश का जिसमें x और y की वैल्यू वन टू इंफिनिटी के बीच में लाइकरे सो so, जब मैं अब x एंड y के अगले सॉल्यूशन की बात करूंगा तो मुझे ये वाला इंटरफेस जो है वो बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज रेंज थी वन टू इंफिनिटी तक की और y है यहां पर जीरो तो वन टू इंफिनिटी की रेंज में जाने के लिए मुझे y की रेंज को बढ़ाना पड़ेगा तो अगर मैं y को बढ़ाऊंगा और वो प्लस साइन है प्लस साइन है और अगर मैं y को बढ़ाऊंगा तो मुझे x को करना पड़ेगा कम केस टू सिलेक्ट हो जाएगा प्लस वाले साइन में दैट इज मैं ये वाला इंटरफेस कम करूंगा और ये वाला इंटरफेस बढ़ाऊंगा बढ़ाना और कम करना दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशन ऑफ दिस जो हम बढ़ाएंगे और जो हम कम करेंगे वो कुछ इस तरीके से कम और बढ़ाते हैं कैसे अब वो देखते हैं जीरो का रिलेशन बना सबसे बाहर वाले के साथ मतलब जीरो के अंदर मुझे टू ऐड करना था जीरो प्लस टू सिक्स का रिलेशन बना अंदर वाले के साथ मतलब इस सिक्स में मुझे ये थ्री कम करना था डेट इज सिक्स माइनस थ्री तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि अब मेरी वैल्यू जो होगी वो आ गई टू और ये आ गई थ्री तो अब मैं कह सकता हूं कि दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे पास एक्स इक्वल टू थ्री एंड वाईक्वल्स टू टू और अगर आप इसको यहां पर सेटिस्फाई करने की कोशिश करें देस प्लस थ्री वाईस टू ट्वेल्व तो आप कहेंगे टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू टू भी तो ट्वेल्व होता है तो अब आपको सारे पॉसिबल सॉल्यूशन बस इसकी हेल्प से निकालने थे जिसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए थी सो so, मेरी नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाएगी अब मेरी पॉसिबल वैल्यू बन चुकी है टू जिसके अंदर मुझे एड करना था क्या टू सो so, अब मेरा राइट right वाले इंटरफेस हो जाएगा टू प्लस टू इक्व टू फोर और लेफ्ट वाला इंटरफेस जिसकी लास्ट वैल्यू थी थ्री उसके अंदर क्या माइनस हो जाएगा थ्री क्योंकि ये सिक्स इसके साथ रिलेशन बना रहा था सिक्स से वैल्यू बनी थ्री अब थ्री भी इसके साथ रिलेशन बनाएगा सो थ्री माइनस थ्री वुड बीस टू जीरो सो so, अब मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल्स टू फोर अब मेरे पास नई वैल्यू है फोर फोर रिलेशन बनाएगा टू के साथ तो अब आ जाएगा नई वैल्यू थी एक्स जीरो जीरो में से हम माइनस करेंगे फिर से थ्री तो अब आ जाएगा मेरे पास माइनस थ्री सिमिलरली सिक्स आ गया तो सिक्स में अब मैं वापस टू ऐड करूंगा तो एट आ जाएगा नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू और माइनस थ्री आया था तो अब मैं माइनस थ्री में से वापस क्या माइनस करूंगा माइनस थ्री रिलेशन वही चलता रहेगा तो इट वुड बी माइनस सिक्स तो ऐसे करते करते ये सॉल्यूशन कभी खत्म नहीं होंगे और मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे और मैंने आपको पहली बताया था कि वन इक्वेशन एंड टू वेरिएबल कंडीशन के अंदर हमेशा इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और मैंने देखा भी कि यहां पर भी x की वैल्यू माइनस थ्री आई वाई की वैल्यू सिक्स आई यहां पर भी x की वैल्यू माइनस सिक्स आई y की वैल्यू एट आई सो मैं देखता जा रहा हूं कि मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कभी भी कम नहीं होंगे क्योंकि नंबर्स हमारे अब चलते रहेंगे बट मुझे क्वेश्चन में कह रखा था कि मुझे x और y की वैल्यूज विद इन रेंज फाइंड करनी थी वन टू इन्फिनिटी इसका मतलब है कि x और y की हर वैल्यू जो वन टू इन्फिनिटी में है वही लेनी है उसके अलावा नहीं लेनी जीरो तो वन टू इन्फिनिटी में आता नहीं है तो मेरी ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी यहां पर ये दोनों वैल्यू एक्स वाई की वन टू इन्फिनिटी के बीच में तो ये वैल्यू मेरी सिलेक्ट हो जाएगी जीरो आता नहीं है ये वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी माइनस तो आ ही नहीं सकता ये वैल्यू हट जाएगी और अब मैं देख रहा हूं कि माइनस साइन की एंटिटीज बढ़ती जाएंगी अगले केसेस में अभी माइनस थ्री हुई है माइनस हुई है माइनस तो थ्री वैपिस माइनस सिक्स में ऐड होगा तो माइनस नाइन हो जाएगी माइनस ट्वेल्व माइनस एटीन तो अब तो सारी जितने भी वैल्यू इनफिनिटी तक जाएगी वो सारी डिस्कार्ड हो जाएंगी तो मेरे पास एक ही पर्टिकुलर यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसका दैट इज एक्स इक्व टू थ्री एंड वाई इक्व टू टू फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन तो यहां पर मेन चीज ध्यान देने वाली ये थी कि जब मेरे पास वन इक्वेशन है टू वेरिएबल का सिस्टम हो तो आंसर तो मेरा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा ही बट अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन से दे रखी हो कि मुझे विद इन रेंज वर्क करना है किसी भी पर्टिकुलर रेंज के तो मैं उन सोल्यूशन को एक बार उस रेंज से चेक करूंगा जब मैंने चेक करा मेरे पास सिर्फ एक ही यूनिक सोल्यूशन आया इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का तो मैं कह सकता हूं डिस्पाइट ऑफ हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बिकॉज ऑफ द कंडीशन Our many will into a अब same हम एक बार माइनस साइन के लिए करके देखते हैं और माइनस साइन में मैं जानता हूं कि एक एंटिटी को डिक्रीज करना होता था दूसरी को भी डिक्रीज एक एंटिटी को इंक्रीज करना होता था दूसरी को भी इंक्रीज तो पॉसिबल सोल्यूशन इसका भी क्या ले लेंगे टू इंटू सिक्स माइनस थ्री इंटू जीरो बिकॉज ट्वेल्व माइनस जीरो इज ऑल्सो इक्वल्स टू ट्वेल्व यहां पर मेरी x की वैल्यू हो जाएगी सिक्स और y की वैल्यू हो जाएगी जीरो अब y तो मेरे पास जीरो है क्या मैं y को और कम कर सकता हूं नहीं क्योंकि मुझे पता है मुझे वन टू इन्फिनिटी के रेंज में वर्क करना है तो मुझे y की एंटिटी को बढ़ाना पड़ेगा और अगर मैं y तो की एंटिटी को बढ़ाऊंगा तो x की एंटिटी तो बट ऑब्वियस भी बढ़ेगी तो मुझे पता था बढ़ाना और कम करना होता है विद द रिलेशन ऑफ दिस बाहर वाले का बाहर के साथ एंड अंदर वाले का अंदर के साथ सो so, अब मुझे जीरो के अंदर टू एड करना था बस और सिक्स के अंदर थ्री भी एड करना था तो मेरे पास अब आ गई x इक्वल टू नाइन और y इक्वल टू टू लास्ट वैल्यू नाइन थी नाइन में थ्री एड करना था बस लास्ट वैल्यू टू थी टू में टू एड करना था बस सो ट्वेल्व एंड फोर मेरी अब नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी सिमिलरली थ्री मैं ऐड करता रहूंगा और यहां पर मैं टू ऐड करता रहूंगा तो अगली वैल्यू जाएगी 15, वन 21, फोर अगली वैल्यू हो जाएगी यहां पे सिक्स एट टेन ट्वेल्व और ये वैल्यू तो अब इन्फिनेटिक तक जाएगी और मेरे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे एक्स वाई के अब मैं यहां पर फिर से क्वेश्चन की रेंज पर आ जाता हूं क्वेश्चन की रेंज थी वन टू इनफिनिटी तो मुझे वन टू इनफिनिटी तक की रेंज में वर्क करना था तो ये वाला सॉल्यूशन तो डिस्कार्ड हो जाएगा बिकॉज यहां पर वाई इक्वल टू जीरो है और बाकी हर केस में सारे वैल्यूज मेरे जीरो से ऊपर है और पॉजिटिव है तो मैं ये कह सकता हूं कि अब तो सारे सॉल्यूशन जो होंगे वो एक्सेप्ट होंगे और ये इनफाइनाइट तक जाएंगे तो मैं कह सकता हूं ये वन इक्वेशन एंड टू वेरिएबल था तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होना चाहिए था और क्वेश्चन की कंडीशन भी इसके सॉल्यूशन को चेंज नहीं कर पाई और ओवरऑल मेरा आंसर भी इनफाइनाइट इन्फाइना सॉल्यूशन हुआ यहां पर क्वेश्चन की कंडीशन की वजह से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन चेंज हो गया था यूनिक सॉल्यूशन के अंदर लेकिन यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई सो so, बेसिकली ये था हमारा एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो हमेशा फाइंड आउट करने में यूज आएगा पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस